16वें लोकतंत्र के महापर्व पे मतदाता मतदान करने के लिए सुबह से ही निकलना शुरू हो गए थे। लंबी कतारें सुबह ही लगना शुरू हो गई थी। हालांकि सुबह के वक्त थोड़ी ठंड जरूर थी, लेकिन मतदाताओं का जोश इस ठंड के आगे फीका नजर आया। लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरह से लंबी कतारों में लगे रहे। सोलन में करीब 122 मतदान केंद्र है जिनमें सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने इस बार सबसे पहले मतदाताओं को फूल देकर सम्मानित भी किया है। वोट डालने का तो कुछ ऐसा याद नहीं कितनी बारी डाल चुका हूँ। जब से 18 साल का हुआ हूँ हर बारी जब भी वोटिंग हुई है, चाहे वो नगर परिषद के हुई है, चाहे वो एमएलए के लिए हुई है, चाहे वो एमसी के लिए हुई है, कैसा भी हुई है, हमेशा डालता रहा हूँ और बहुत ही अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एज आप देख सकते हैं, मैं पहला वोटर था तो मुझे अंदर पोलिंग एजेंट ने गुलाब का फूल भी दिया है, जिससे और अच्छा महसूस होता है। और ये जो ये है, ये मार्क है, ये एक अपने आप में एक गर्व महसूस करवाता है कि हमने अपने देश के लिए, अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए कुछ किया है। जब मैंने पहला वोट डाला तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं ये खुशी कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये पहली बार हुआ कि हमें एक गुलाब का फूल दिया गया। हम तो अपना जैसे वोट डालने आते हैं वैसे ही आए थे, और वोट डालने के बाद मुझे जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने फूल भेंट किया, उससे मैं बहुत ही खुश हुई और बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने देखो वोट डाला है, तो सबको वोट जो है अपना वोट बहुमूल्य है, कीमती है, वोट हमें सबको डालना चाहिए और बहुत ही जरूर डालना चाहिए।